बसमिल रिम्स अलैक्म डयर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड लिसनर्स इट इज़ दिकेंड वीडियो ऑफ़ आवर लेक्चर सीरीज रिलेटेड टू एम सी क्यूज़ आंसर फॉर लेक्चर पोलिटिकल साइंस सिविक्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़ कल हमने ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज़ को उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा पढ़ा और याद किया आज चलते हैं ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यू की तरफ फर्स्ट एम सी क्यू क्या है कि द जर्मन आइडियालॉजी वॉज रिटन बाय ये किताब का नाम है जर्मन आइडियालॉजी ये किसने लिखी इसको आपको बिल्कुल क्रैम नहीं करना जर्मन पोलिटिकल फिलासफर को याद करें बहुत ही फेमस पोलिटिकल फिलासफ़र कार्ल मार्क्स तो ये किताब कार्ल मार्क्स ने लिखी थी जर्मन दी जर्मन आइडियालॉजी नेक्स्ट इज पॉजिटिव लिबर्टी इज़ एडवोकेटेड बाय लिबर्टी के टू टाइप्स है वन इज कॉल्ड पॉजिटिव लिबर्टी एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ एसोसिएटेड विद टी एच ग्रीन टी एच ग्रीन ने पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया नेक्स्ट टाइम से क्यों है इन मार्क्सिस्ट थाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हैज इज एसोसिएटेड विद इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं ये कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी की बात हो रही है कि कार्ल मार्क्स की फिलोसोफिक uh, थॉट्स में जो कल्चरल हैजमनी का कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया तो ये जो कल्चरल हेजमनी का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एन इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर एंटोनियो ग्राम्शी एंटोनियो ग्रामशी जो कि कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा फॉलोअर था इसके थाट्स पे आपको कॉल मार्क्स के थाट्स का एक डीप इन्फ्लुएंस नज़र आता है एंटोनियो ग्राम्शी uh, को 1926 में उस वक़्त की जो फैशिस्ट uh, लीडर था इटली का बेनिटो मोसोलिनी उसने 1926 में एंटोनियो ग्रामशी को जेल में डाल दिया और 1934 तक जो एंटोनियो ग्रामशी है ये जेल में रहा और ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल हैजमनी का ये मार्किस्ट मार्क्सिस्ट थाट्स में एंटोनियो ग्रामशी ने इंट्रोड्यूस करवाया एक पैसिव रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो भी एंटोनियो ग्राम्शी से ही जुड़ा हुआ है एंटोनियो ग्राम्शी ने ही पैसिव रेवोल्यूशन की बात की नेक्स्ट है जी कि व्हाट इज़ नेगेटिव लिबर्टी अभी हम ऊपर बात कर रहे थे पॉजिटिव लिबर्टी की तो नेगेटिव लिबर्टी क्या है एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल हिंड्रेंसेज बैरूनी बैरूनी एक्सटर्नल जो रुकावटें हैं जो हर्डल्स हैं उनकी गैर मौजूदगी को नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है नेक्स्ट इज़ हु रोट द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसने लिखी तीन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी थॉमस हाब्स जॉन लॉक एंड रूसो पहले जो दो फिलोसोफर्स हैं दे आर इंग्लिश फिलोसोफर और जो थर्ड हैं रूसो ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर गुजरे हैं तो ये किताब इनकी लिखी हुई है सोशल वाज रिटन बाय जॉन जैक्स रूसो नेक्स्ट इज हु वाज द आथर ऑफ पीरपुर रिपोर्ट पीरपुर रिपोर्ट का आथर कौन है पीरपुर रिपोर्ट क्या थी uh, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद इसे रखना है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पे आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिकॉल कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो प्रोविंशियल पार्ट था उसको इनेक्ट किया गया अगरचे आल इंडिया मुस्लिम लीग और आल इंडिया आल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया लेकिन बाद में दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ ने जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे उन्हें कॉन्टेस्ट करने का डिसाइड किया ये जो इलेक्शंस थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट मेथड के मुताबिक हुए और फेबर 1937 में इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो गया इन 1937 में होने वाले इलेक्शंस में मेजार्टी प्रोविंस uh, में मेजॉरिटी सीट्स किसने हासिल की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जबकि जो मुस्लिम सीट्स थी उनका सिर्फ 21% परसेंट आल इंडिया मुस्लिम लीग हासिल कर सकी ट्वेंटी वन परसेंट हासिल कर सके ये इस चीज़ की एविडेंस है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग किसी एक भी प्रोविंस में फुल फ्लैज अपनी गवर्नमेंट कायम ना कर सके रिजल्टेंटली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने अपनी हुकूमत कायम की तकरीबन छः से सात प्रोवेंसेज के अंदर कई जगहों पर उनकी फुल फ्लैज गवर्नमेंट थी और कई जगहों पर उनकी कोलेशन गवर्नमेंट थी जुलाई 1937 से लेकर नवंबर 1939 थर्टी नाइन तक आ, इनकी गवर्नमेंट कायम रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान जो उनका बिहेवियर था मुस्लिम्स की तरफ वो बहुत ही पथेटिक बिहेवियर था वो बिल्कुल भी जस्ट बिहेवियर नहीं था और आप ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे थे तो इन्हीं ये जो मिस बिहेवियर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसको एनालाइज करने के लिए ट्वेंटी मार्च 1938 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आठ मेंबर्स पर मुश्तम एक कमेटी बनाई जिसको लीड कर रहे थे पीरपुर के राजा सैयद मोहम्मद महदी और इसलिए जो आथर है पीरपुर रिपोर्ट के वो राजा सैयद मोहम्मद महदी है इसके बाद एक शरीफ रिपोर्ट भी आई 1939 में लेकिन शरीफ रिपोर्ट पर्टिकुलरली जो बिहार के मुस्लिम्स थे उनके ऊपर जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के सितम थे उनको जानने के लिए बनाई गई तो पीरपुर रिपोर्ट क्या है पीरपुर रिपोर्ट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के बाद उस एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शंस हुए इलेक्शंस के नतीजे में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत बनी और उनके जो मुसलमानों पर सितम हुए उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये आठ रुकनी कमेटी बनाई गई थी और इसके आथर कौन थे इसके आथर थे राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऐसे ऊपर एक क्वेश्चन मिस कर दिया हमने कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे इन यानी सिंध को जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक प्रोविंस है इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था तो ये 1936 में हुआ था 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके बाद इसको 1936 में सेपरेट किया गया था अगर आपको कायद अज़म के 14 पॉइंट्स याद हूँ तो उसमें ये एक पॉइंट था ये एक डिमांड की गई थी उसके बाद है हु सुजेस्ट द टाइटल ऑफ कायद अजम कायद अजम नाम नहीं है ये टाइटल है सर्विसज़ के अगेंस्ट आप कह सकते हैं कि उनको टाइटल दिया गया तो ये टाइटल किसने सुजेस्ट किया ये मौलवी मजहरुद्दीन ने ये टाइटल सुजेस्ट किया नेक्स्ट uh, है कि व्हेन लेडीज़ uh, वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मुस्लिम लीग बाय कायद अजम तो नाइनटीन uh, थर्टी में पटना सेशन के दौरान कायद अजम ने फर्स्ट वीमेन विंग कायम किया था तो इसका जो आंसर है वो है 1938 1938 में जो फर्स्ट फॉर्मल वीमेन विंग कायम किया गया पटना सेशन में वो इस बात की एविडेंस है कि 1938 में वीमेन को फॉर्मली uh, इन्वाइट किया गया टू बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ आल इंडिया मुस्लिम लीग ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन के नतीजे उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में होने वाले इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि उस वक़्त जो इलेक्शंस हुए तो मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई और उसके बाद उन्होंने जो अपना जो अपनी बेस है उसको इन्हेंस किया और विमेन पार्टिसिपेशन भी इसमें इन्हेंस करने का प्लान किया नेक्स्ट है जी हु नीम्ड लाहौर रेजोल्यूशन एज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ़र्स्ट क्योंकि जो एक्चुअल टेक्सट था उसके मुताबिक ये लाहौर रेजोल्यूशन थी और पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसको तन्ज़िया कहा गया तो किसने इसको तनजिया कहा इसको जो हिंदू प्रेस और हिंदू मीडिया है उन्होंने इसको लाहौर रेजोल्यूशन के बजाय पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नेम दिया और बाद में ये जो नेम है ये इतना पॉपुलर हो गया कि जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने भी इसे पा पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही कहना शुरू कर दिया नेक्स्ट द कायद आजम रिज़ाइन फ्राम द मेम्बरशिप ऑफ इम्पीरियल लजिसटिव काउंसिल इम्पीरियल लजिसटिव काउंसिल से कायद अजम ने कब रिज़ाइन किया कायद अजम ने नाइनटीन जीरो नाइन में इम्पीरियल लजस्लेटिव कौंसिल को ज्वाइन किया था लेकिन नाइनटीन फोटीन से नाइनटीन एटीन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड है उसके बाद नाइनटीन नाइनटीन उन्नीस सौ उन्नीस में आपको पता है कि सब कॉन्टीनेंट में एक पोलिटिकल अनरेस्ट इन्वायरमेंट शुरू हो चुका था खिलाफत भी उस वक्त खिलाफत मूवमेंट चल रही थी और खिलाफत मूवमेंट के साथ जो गांधी की नान कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो भी मिल गई थी तो इस सारे जो यू यू मे से कि ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था ये जो एक पॉलिटिकल टर्मवाइल था इसको रोकने के लिए जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट है सॉरी काउंसिल है इसने एक एक्ट पास किया जिसको कहा जाता है अनरकियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट और आम तौर पे इसे रॉल्ट एक्ट कहा जाता है ये रॉल्ट एक्ट क्या था कि जो ऐसा कोई भी शख़्स जिसको ब्रिटिश राज के अगेंस्ट किसी भी प्लानिंग और प्लॉटिंग में सस्पिशियस पाया जाएगा ब्रिटिश राज उसको पकड़ सकता है और वो अपने डिफेंस के अगेंस्ट कोई लॉयर भी हासिल नहीं कर सकता ये आप ये कह लें ये जो एक्ट था ये इंडियंस uh, को उनकी फंडामेंटल लिबर्टी से डिप्राइव कर रहा था तो एज़ अ प्रोटेस्ट काज ने रिज़ाइन कर दिया था इम्पीरियल काउंसिल से जिसके वो मेंबर 1909 से थे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ सिक्स ऑफ पाकिस्तान और जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था नाइनटीन का ये टू आर्टिकल्स पर मुश्तमिल था और जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी इस वक्त जिस पे जिसके मुताबिक पाकिस्तानी रियासत चल रही है सेवेंटी थ्री का उसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो टू एटी आर्टिकल्स पर मुश्तमल था उसके बाद है जी नाइनटीन एटी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ टर्की कम्प्राइज़ ऑफ तो ये इसके वन सेवनटी सेवन आर्टिकल्स हैं नेक्स्ट है इन इंग्लैंड द क्वीन रें बट डज़ नाट गवर्न यानी सारे जो हकूमत है वो क्वीन के नाम पर होती है लेकिन एक्चुअली गवर्न कौन करता है पार्लियामेंट गवर्न करती है और आपको पता है कि इसको डिक्टेटरशिप ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है यूके के केस में क्योंकि यूके की जो पार्लियामेंट है ये दुनिया की मोस्ट पावरफुल पार्लियामेंट है क्यों क्यों पावरफुल है क्योंकि यूके पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को यूके के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता नेक्स्ट द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज़ द थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस आपको पता है कि जो अमेरिकन कांग्रेस है दैट इज़ द नेम ऑफ अमेरिकन पार्लियामेंट और ये बाई कैमरल पार्लियामेंट है अपर हाउसिस का सेनेट है और लोअर हाउसिस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और अमेरिका के केस में जुडिशल रिव्यू की बड़ी अहमियत है जुडिशल रिव्यू क्या है कि अमेरिकन कांग्रेस कोई अगर कोई कानून बनाती है और वो कानून अमेरिकी आइन के मुतसादिम पाया जाता है अदालतें उसका रिव्यू करती हैं और अदालत अदालत से मुराद है सुप्रीम कोर्ट और वो ये कहती है कि ये जो कोर्ट है ये अमे, अ, अ, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रोडिक्टी है उसके अगेंस्ट है तो फिर वो उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर सकती है दिस इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू इसी वजह से जो थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस है वो किसे कहा जाता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को नेक्स्ट इज प्रेजिडियम इज़ एन इंटरेस्टिंग इनोवेशन ऑफ़ द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम यू की बात कर रहे हैं कल हमने डिस्कस किया था कि यू 1922 से लेकर 1991 तक एक यूनियन था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और कितनी रिपब्लिक्स उस यूनियन का पार्ट थी फिफ्टीन प्रेजिडियम क्या है प्रेजिडियम वॉज अ बॉडी ऑफ स्टेट पावर इन द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक और ये जो प्रेजिडियम है Uh, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये जो बॉडी थी दैट बॉडी वाज़ अकाउंटेबल टू द सुप्रीम सोवियत ऑफ यूएसएसआर तो आप ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन था जो हाईएस्ट आर्गन था स्टेट पावर का यूएसएसआर में वो क्या था सुप्रीम सोवियत तो इसमें दो हमारे एमसीक्यू हो गए हैं एक तो जो प्रेजिडियम वर्ड है ये किस के पोलिटिकल सिस्टम से एसोसिएटेड है यू एस एस आर फॉर्मर यू एस एस आर और सेकेंड है कि जो हाईएस्ट आर्गन ऑफ द स्टेट पावर था फॉर्मर यू एस एस आर में वो था सुप्रीम सोवियट और जो प्रेजिडियम था दैट बॉडी वॉज अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम सोवियट फॉर ऑल इट्स एक्शंस नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑलवेज ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर डायरेक्टली नो क्योंकि ये जो फीचर uh, है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का है जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो एक्सरसाइज ऑफ़ पावर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव्स उनका मोटिव ये नहीं होता कि वो सियासी इकतदार हासिल करें यानी उनका मोटिव हकूमत बनाना नहीं होता बल्कि हकूमत की पॉलिसीज़ पे असर अंदाज होना होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इन्फ्लुएंस द एक्सरसाइज ऑफ पावर नेक्स्ट इज़ आथर ऑफ़ द बुक कैपिटल तो ये इससे पहले हम डिस्कस uh, कर चुके हैं एक कार्ल uh, मार्क्स का uh, रिलेटेड एम तो कैपिटल uh, का आथर uh, कौन है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है नेक्स्ट एवॉलेंट्री यूनियन ऑफ सावरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज कॉल्ड कन्फेडरेशन यहाँ यहाँ पर आपने याद रखना है कि सावरन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो यूनियन है वॉलेंट्री यूनियन है यानी विलिंगली उन्होंने एक यूनियन क्रिएट कर लिया है तो वो कन्फेडरेशन होगा और कन्फेडरेशन में जो सावरन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो किसी भी वक्त उस कन्फेडरेशन को छोड़ सकती हैं दे इंटेक्ट देयर राइट टू विदड्रॉ देयर मेंबरशिप एट एनी टाइम जबकि फेडरेशन में ऐसा नहीं होता फेडरेशन में ये जो uh, कॉन्स्टिटुेंट यूनिट्स होते हैं जिनको कई जगहों पर प्रोविंसेस कहा जाता है कई जगहों पर स्टेट्स कहा जाता है वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होती और सावरन भी नहीं होती अटोनोमस होती हैं लेकिन इंडिपेंडेंट और सावरन नहीं होती और अटोनोमस भी वो ज़्यादातर अपने एक्सटर्नल अफेयर सॉरी अपने इंटरनल अफेयर्स में होती हैं तो इसका आंसर क्या होगा कन्फेडरेशन नेक्स्ट इज रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम इज रिटन इकबाल इसका आंसर है अलामा इकबाल एंड द नेक्स्ट इज़ ऑफ द बुक स्टेट्स मैन तो ये किताब किसकी लिखी हुई है ये प्लेटो की लिखी हुई है इससे पहले रिपब्लिक हमने डिस्कस किया दी लॉज ये किताबें भी दोनों प्लेटो की लिखी हुई थी। जस्टिस इज़ गिविंग एवरी वन हज़ ड्यू इज़ सेट बाय ये जो एम सी क्यू है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं मिल रहा तो इसका आंसर आपने कभी भी अरिस्टोटल या प्लेटो या रूसो नहीं करना क्योंकि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस भी मौजूद है प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस भी मौजूद है लेकिन ये जो थीम है कि जस्टिस इज गिविंग एवरी वन हज ड्यू ये ना तो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है और ना ही ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है ये अगस्टीन का कॉन्सेप्ट है और इसलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज नेक्स्ट है द रेजोलूशन ऑफ खिलाफत एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रैंड नेशनल असेंबली इन टर्की वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाई अलामा इकबाल इसमें मौलाना शौकत अली मौलाना मोहम्मद अली नानाफीज़ ऑप्शन नहीं आएगा इसको मैंने कन्फर्म किया है तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है अलामा इकबाल ये हमारे फिफ्टी एम सी क्यूज़ हो गए हैं तो कल की वीडियो में हम फिफ्टी वन आनवर्ड सेवेंटी फाइव या हंड्रेड के करीब एम सी क्यूज़ करेंगे जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर कोई आप एम सी क्यू पढ़ रहे हैं और आपको सैम सी क्यू का राइट आंसर नहीं मिल रहा तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़